नंबर्स के बाद, क्वांटम नंबर्स के बाद अपन डिस्कस करेंगे इसके बारे में, शेप ऑफ सबशेल के बारे में। उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है। ओके, तो आज मैं आपको डेफिनेटली एक असाइनमेंट सेंड करूंगा, वो असाइनमेंट अपने को कंप्लीट करना है। फर्स्ट असाइनमेंट जो मैं आपको सेंड करूंगा वो होगा एटॉमिक मॉडल्स में, यानी कि जनरली उसमें जो क्वेश्चंस रहेंगे वो कौन से होंगे, एटॉमिक मॉडल्स के, लाइक बोर एटॉमिक मॉडल, लाइक प्लैंक क्वांटम थ्योरी, इस पे क्वेश्चंस रहेंगे। ओके, और उसमें कोई भी अगर आपको डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं हो रहा हो, तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। क्लियर है? तो अपन प्रीवियस क्लास में किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे? अपन प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर रहे थे क्वांटम नंबर के सेकेंड नंबर पे, कौन सा था वो, एजीमुथल क्वांटम नंबर। किसके बारे में बताता था वो अपने को, सबशेल के बारे में, कि कोई भी आपके पास अगर सबशेल है, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन एनी सबशेल, उसके बारे में जो भी डिस्कस कर रहे थे अपन, वो किसमें कर रहे थे, एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब अपने पास थर्ड क्वांटम नंबर आएगी, कौन सी है थर्ड, थर्ड क्वांटम नंबर इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। थर्ड क्वांटम नंबर इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम। इसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एम से, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आती है बच्चों, कि ये क्वांटम नंबर किस चीज को एक्सप्लेन करती है, एक्सप्लेन अबाउट 3D ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के 3D ओरिएंटेशन को कौन सी क्वांटम नंबर एक्सप्लेन करती है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितनी होती है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए m का एक छोटा सा फॉर्मूला आता है, दैट माइनस एल टू प्लस, m इज ऑलवेज इक्वल्स टू माइनस एल टू प्लस है। यानी कि आपको देखना हो कि कोई आपके पास जैसे सबशेल है, s है, p है, b है, f है, तो उन सबशेल के लिए m की कितनी वैल्यूज पॉसिबल होगी, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या आएगा, माइनस एल टू प्लस है। कि सर कैसे, कि अगर अपन बात करें सबशेल की, अपन बात करें वैल्यू ऑफ एल की और अपन बात करें वैल्यू ऑफ एम, सबशेल कौन कौन सी होगी, वैल्यू ऑफ एल क्या रहेगी और वैल्यू ऑफ एम क्या होगी। सबशेल अगर जनरली मैं बात करूं तो अपने पास चार सबशेल होती है, एक एस होती है, एक पी होती है, एक डी होती है और एक एफ होती है। फोर टाइप्स ऑफ सबशेल आर प्रेजेंट, फर्स्ट इज एस, सेकंड इज पी, थर्ड वन इज डी एंड फोर्थ वन इज एफ। अगर मैं अब बात करूं इसके लिए एल की, तो एल की वैल्यू एस के लिए कितनी होती है, जीरो, पी के लिए कितनी होती है, वन, डी के लिए कितनी होती है, टू और एफ के लिए कितनी होती है, थ्री। जीरो किसके लिए होती है, एस के लिए, वन किसके लिए होती है, पी के लिए, टू किसके लिए होती है, डी के लिए और थ्री किसके लिए होती है, एफ के लिए। अगर मैं एम की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो एम की वैल्यू के लिए फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, माइनस एल टू प्लस, माइनस एल से लेकर के प्लस एल तक आपके पास क्या होती है, वैल्यूज आती है एम की। मैंने कहा आप सबसे पहले जो एस सबशेल है उसके लिए एम की वैल्यू बताइए, एस सबशेल है उसके लिए एम की वैल्यू बताइए। तो सर आप जैसे बता रहे हो कि एम इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस एल से प्लस एल, तो अगर एस सबशेल के लिए बात करें तो क्या माइनस जीरो से प्लस जीरो, बट अपने को एक बात बता है कि जीरो कभी माइनस प्लस में नहीं होता, जीरो किस में होता है, जीरो जीरो में ही होता है, तो इसके लिए जो एम की वैल्यू आएगी वो आपके पास क्या आ जाएगी, जीरो। जो आपके पास एस सबशेल है, एस सबशेल के लिए एम की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, जीरो रहेगी। क्यों रहेगी जीरो, बिकॉज इसके लिए एल की वैल्यू भी जीरो है और जो एम की वैल्यू है वो डिपेंड किस पे करती है, एल की वैल्यू, डिपेंड ऑन
वैल्यू ऑफ एल, द वैल्यू ऑफ एल डिपेंड किस पे करती है, एल की वैल्यू पे डिपेंड करती है। सेकेंड आता है आपके पास पी सबशेल, पी सबशेल के लिए मैं अगर बात करूं तो पी सबशेल के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, वन होती है, कितनी होती है वन। तो एम की वैल्यू क्या होगी, एम की वैल्यू होगी आपके पास प्लस माइनस वन, यानी कि अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस वन जीरो और प्लस वन, माइनस वन जीरो और प्लस वन। तो अगर अपन कल देख रहे थे तो पी के लिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने थे सर, पी के लिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल थे थ्री, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने थे थ्री थे। तो एक ऑर्बिटल के लिए वैल्यू क्या आएगी माइनस वन, एक के लिए क्या आएगी जीरो और एक के लिए क्या आएगी आपके पास प्लस। तो एम के थ्री ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं और तीनों ऑर्बिटल्स की वैल्यू होती है, सॉरी पी में थ्री ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं और तीनों के लिए एम की वैल्यू होती है वो कितनी होती है माइनस एम जीरो और प्लस एम। किसके लिए माइनस वन होती है किसके लिए जीरो होती है वो अपन आगे डिस्कस करेंगे ना। फिर बात करें डी के, आपके पास L की वैल्यू 2 है किसके लिए है D के लिए, इसकी M की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, M की वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 2 यानी कि कौन कौन सी वैल्यूज आएगी, प्लस 2 आएगी, माइनस 1 आएगी, 0 आएगी, प्लस 1 आएगी और प्लस 2। कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं D में बेटा, D में प्रेजेंट होते हैं 5 ऑर्बिटल। D में कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, D में आपके पास जो ऑर्बिटल्स रहेंगे माइनस टू होगा, सॉरी ये माइनस टू, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, प्लस वन और प्लस टू, फाइव वैल्यूज ऑफ m इज पॉसिबल फॉर द D, क्योंकि D के लिए आपके पास l की वैल्यू कितनी है टू। थर्ड वन नेक्स्ट देखते हैं f के लिए, f के लिए l की वैल्यू कितनी है थ्री है, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्लस माइनस थ्री, यानी कि माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, प्लस वन, प्लस टू एंड प्लस थ्री। ये आपके पास है थर्ड क्वांटम नंबर जिसको अपन क्या कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसको एक्सप्लेन करती है 3D ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के 3D ओरिएंटेशन को बताती है। कि सर इससे कैसे पता चलता है 3D ओरिएंटेशन है इलेक्ट्रॉन का, तो जो ये वैल्यू आ रही ना आपके पास माइनस वन जीरो प्लस वन माइनस टू माइनस वन जीरो प्लस वन प्लस टू माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री, इससे आगे अपन देखेंगे कि आपके पास जनरली पी की बात करें तो पी के थ्री ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, एक होता है पी एक्स, एक होता है पी वाई और एक होता है पी जेड। कि सर ये एक्स वाई जेड क्या है, एक्स वाई जेड जो है वो कोऑर्डिनेट्स है, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन। तो ये आपको थ्री वैल्यूज आ रही है, इसे अपने पता लगा सकते हैं कि आपके पास पी में थ्री ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, एक में जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्स डायरेक्शन में प्रेजेंट होंगे, एक में जो इलेक्ट्रॉन है वो वाई डायरेक्शन में, और एक में जो इलेक्ट्रॉन है वो किसमें प्रेजेंट होंगे जेड डायरेक्शन में। तो ऐसे ही आपके पास डी के फाइव ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, इन फाइव ऑर्बिटल्स की नेमिंग अलग अलग आएगी, कौन कौन सी आती है इसमें, एक तो आपके पास आता है देखो डी, अब यहाँ पे नहीं लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा तो आप ये समझोगे कि इनकी वैल्यूज ऐसी ही है। डी के टोटल फाइव ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ये फाइव ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं डी में। एक्स वाई का मतलब क्या हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वो एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन के बीच में प्रेजेंट होंगे, इन बिटवीन एक्स एंड वाई, इन बिटवीन वाई एंड जेड, इन बिटवीन एक्स एंड जेड, इन बिटवीन एक्स एंड वाई, इन बिटवीन वाई एंड जेड एंड इन बिटवीन एक्स एंड जेड। इसका मीनिंग क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट ऑन द एक्सिस, ऑन द एक्स एंड वाई एक्सिस एंड ऑन द जेड एक्सिस। टोटल कितने ऑर्बिटल्स हो गए, फाइव ऑर्बिटल्स हो गए, फाइव की वैल्यूज पता है अपने को, इससे ये पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में कहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये किससे पता चलेगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सप्लेन करती है किसके 3D ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लेन करती है, और m की जो वैल्यू है वो कितनी होती है माइनस एल टू प्लस एल। अगर s के लिए बात करें तो s के लिए l की वैल्यू जीरो रहती है, तो m की वैल्यू भी क्या रहेगी आपके पास जीरो। p के लिए अगर l की वैल्यू वन रहती है तो m की वैल्यू क्या रहेगी आपके पास प्लस माइनस वन, यानी कि प्लस वन माइनस वन से लेकर के प्लस वन तक रहेगी। और अगर अपन बात करें d के लिए
प्लस माइनस टू, और अगर एफ के लिए बात करें तो वो आपके पास होगी प्लस माइनस थ्री। ये आपके पास कौन सी थी? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। नेक्स्ट अपने पास लास्ट क्वांटम नंबर आती है, वो कौन सी है? फोर्थ वन इज स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर ये क्या एक्सप्लेन करती है? एक्सप्लेन अबाउट द एक्सप्लेन अबाउट द रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन इट्स ऑन एक्सिस। इलेक्ट्रॉन का अपनी ही एक्सिस पे जो रोटेशन होता है उसको कौन सी क्वांटम नंबर एक्सप्लेन करती है? उसको स्पिन क्वांटम नंबर एक्सप्लेन करती है। इसके बारे में बताती है, इलेक्ट्रॉन जो अपनी ही एक्सिस पे रोटेट करता है उसको एक्सप्लेन करती है स्पिन क्वांटम नंबर। इस स्पिन क्वांटम नंबर को अपन रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एस। कैसे रोटेशन कैसे होगा? जैसे आपके पास ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है किसी भी ऑर्बिटल, ठीक है ना, तो या तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे रोटेशन होएगा अपनी ही एक्सिस पे, यानी कि कहीं और नहीं जाएगा, ये इसकी एक्सिस है इस पे ही रोटेट करेगा, तो ये ऐसे रोटेट करेगा या तो, और या ये इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे रोटेट करेगा। अब बच्चों देखो, अगर ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ये मार्कर का टॉप है, यहां से ये ऐसे रोटेट कर रहा है, तो आप देखोगे ये जो रोटेशन है वो कौन सा है? क्लॉकवाइज। ऐसे जो रोटेशन हो रहा है वो कौन सा है? क्लॉकवाइज, यानी कि जिस डायरेक्शन में घड़ी, घड़ी की जो डायरेक्शन होती है ना, कि आपके पास ये जो आपके पास रोटेशन होगा वो कौन सा होगा? क्लॉकवाइज रोटेशन। और इसके अपोजिट जो रोटेशन होगा वो कौन सा होगा? एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। ये कौन सा हो गया? क्लॉकवाइज। इलेक्ट्रॉन या तो ऐसे रोटेट करेंगे अपनी ही एक्सिस पे, या इलेक्ट्रॉन ऐसे रोटेट करेंगे अपनी एक्सिस पे। यानी कि इलेक्ट्रॉन में दो टाइप का रोटेशन प्रेजेंट होता है, एक तो आपके पास कौन सा होगा? क्लॉकवाइज, और यह कौन सा रोटेशन होगा? एंटी क्लॉकवाइज। या तो क्लॉकवाइज रोटेशन होगा और यह आपके पास कौन सा रोटेशन होगा? एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज जो रोटेशन है उसको शो करते हैं अपन अपवर्ड एरो से, यानी कि एक एरो जो ऊपर की डायरेक्शन में हो। एंटी क्लॉकवाइज को अपन किससे शो करते हैं? डाउनवर्ड एरो से। क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा हो अगर कोई इलेक्ट्रॉन तो वो कौन से एरो से शो करेंगे? अपवर्ड से। और एंटी क्लॉकवाइज अगर आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन रोटेशन कर रहा है तो उसको कौन से किससे शो करेंगे? एंटी सॉरी डाउनवर्ड एरो से। या आपके पास कौन सा है? अपवर्ड एरो। और ये कौन सा है आपके पास? डाउनवर्ड। तो अगर कभी ऐसा आ जाए कि मैंने यू रिप्रेजेंट करा है उसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, मैंने अगर यू रिप्रेजेंट कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन कौन सी डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज में। तो अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होता है तो उसकी जो स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू है, स्पिन क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है वो रहती है प्लस हाफ। स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी रहती है? प्लस हाफ। और अगर डाउनवर्ड एरो में शो रोटेट कर रहा है तो स्पिन क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है वो कितनी रहती है? माइनस हाफ। या तो आपके पास क्या रहेगा? प्लस हाफ, या क्या रहेगा? माइनस। बट एक इंपॉर्टेंट बात बता दें आपको कि किसी भी ऑर्बिटल में जब अपन इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं
रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन होता है उस ऑर्बिटल का, तो कल मैंने आपको बताया था कि कोई भी आपके पास ऑर्बिटल हो, उस ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो सकते हैं, उस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो सकते हैं। तो किसी भी एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसी भी एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसमें फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हमेशा क्लॉकवाइज और सेकेंड इलेक्ट्रॉन हमेशा कौन सी डायरेक्शन में रहता है, एंटी क्लॉकवाइज। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज ऐसे ऊपर की तरफ और सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐसे नीचे की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। जैसे इसमें आपके पास कैप ऊपर की तरफ है तो अपन ने कह दिया कि भैया ये क्लॉकवाइज रहेगा, इसमें कैप नीचे की तरफ है तो अपन ने क्या कह दिया कि ये एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन या तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। ऑर्बिटल में कभी आप शो करोगे तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शो करोगे और सेकेंड इलेक्ट्रॉन हमेशा कौन सी डायरेक्शन में शो करोगे, एंटी क्लॉकवाइज। ये जिस भी साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन करा था उसका अपन आगे कंप्लीट पढ़ेंगे कि क्या कहा था और साइंटिस्ट कौन सा था। तो ये अपनी चारों क्वांटम नंबर कंप्लीट हो गई। अगर आपको समझ आ गया हो तो एक बार जल्दी से हैंड रेज कर दीजिए। जल्दी जल्दी हैंड रेज कर दीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आइए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास शेप ऑफ सबशेल। सबशेल की शेप क्या है? Shape of subshell। क्वांटम नंबर अपने पास कितनी होती है बच्चों? 4। कौन कौन सी? NLMS प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्पिन क्वांटम नंबर इसको स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो क्या होती है अपने पास क्वांटम नंबर। सबशेल भी अपने पास कितनी होती है? 4 टाइप की। कौन कौन सी वो होती है कि आपके पास एस सबशेल, एक होती है पी सबशेल, एक होती है डी सबशेल और एक होती है एफ सबशेल। एस पी डी एफ आर सबशेल, एन एल एम एस आर क्वांटम नंबर्स, ठीक है ना। एन एल एम एस क्या होते हैं? क्वांटम नंबर्स। एस पी डी एफ क्या होती है? सबशेल। अब अपने को देखना है कि सबशेल की शेप कैसी रहती है। एस सबशेल है उसकी शेप कैसी है, पी सबशेल है उसकी शेप कैसी है, डी सबशेल है तो उसकी शेप कैसी है, और एफ सबशेल है तो उसकी शेप नहीं देखेंगे बिकॉज कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है इसके कारण। तो आइए देखते हैं सबसे पहले शेप ऑफ सबशेल में। शेप ऑफ एस सबशेल, एस सबशेल की शेप कैसी रहती है? जो एस सबशेल है उसकी शेप रहती है स्फेरिकल। शेप कैसी रहती है उसकी? स्फेरिकल, ऐसी ये आपके पास रहती है इसकी स्फेरिकल शेप। यानी कि एस सबशेल जो है वो आपके पास इस शेप की होती है, स्फेरिकल शेप, ठीक है। अब यहां पे एक डेफिनेशन आएगी अपने पास, क्या है कि नोडल सरफेस, नोडल सरफेस क्या होती है देखिएगा। That surface
at which, sorry, that surface where probability of finding the electron is zero, known as nodal surface. यानी कि वो surface जहां पे electron के present होने की probability क्या हो, zero. ये सर meaning क्या हुआ, जैसे ये आपके पास क्या आ गया, मान लीजिए nucleus, ये आपके पास आ गया s subshell. s subshell की शेप कैसी रहती है आपके पास, spherical. ये आपके पास कोई और मान लीजिए कि अपने पास शेल है, ये मान लीजिए. तो नोडल सरफेस क्या होगी, नोडल सरफेस का मीनिंग क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके पास या तो यहां प्रेजेंट होगा, या इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट होगा, यहां प्रेजेंट. ओके, ये जो स्पेस है, इस स्पेस में इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या रहेगी, जीरो. यहां पर तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे ही नहीं, ये जो स्पेस है इस स्पेस पे इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या रहती है, जीरो रहती है. इसे अपन क्या कह देते हैं, नोडल सरफेस के, इज नोन एज नोडल सरफेस. यहां पे इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या रहती है, जीरो, है ना. उसको अपन क्या कहते हैं, नोडल सरफेस कहते हैं. दैट सरफेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज जीरो, नोन एज नोडल सरफेस. या इसको अपन क्या कह सकते हैं, रेडियल नोड भी कहते हैं, रेडियल नोड. रेडियल नोड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है दैट एन माइनस एल माइनस वन, एन माइनस एल माइनस वन. क्या होता है सर, एन, एन होता है आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. एल आपके पास होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, एन क्या होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल क्या होता है आपके पास एजीमुथल क्वांटम नंबर. तो आपको कह दे हाउ मेनी रेडियल नोड्स आर प्रेजेंट इन 3s, हाउ मेनी रेडियल नोड्स आर प्रेजेंट इन 3s, 3s में कितने रेडियल नोड प्रेजेंट होंगे. तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये जो आपके पास 3 लिख रखा है ये क्या होता है बच्चों आपके पास n, ये जो s लिख रखा होता है ये आपके पास क्या होता है n. तो रेडियल नोड कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला अपने को पता है रेडियल नोड का, वो आपके पास क्या आएगा 3 माइनस 0 माइनस 1, यानी कि 3 माइनस 1 करा तो कितना आया आपके पास. ऐसा 0 क्यों यूज करा, बिकॉज एस के लिए एल की वैल्यू ऑलवेज क्या रहती है, जीरो. एस के लिए एल की वैल्यू ऑलवेज क्या रहती है आपके पास, जीरो. तो आपके पास अगर कह दे कि 2s में रेडियल नोड बताइए कितने होंगे, तो आप क्या करोगे n माइनस एल माइनस वन. एन क्या है आपके पास, आगे जो नंबर लिख रखे हैं. s क्या है आपके पास, जो सॉरी l क्या है, जो आपके पास अल्फाबेट है यानी कि s है, यानी कि कितना हो गया 2 माइनस 0 माइनस 1, तो कितने रेडियल नोड हो गए आपके पास. तो ऐसे कैलकुलेट करते हैं रेडियल नोड. नेक्स्ट चलते हैं अपन, देखते हैं शेप ऑफ p सबशेल, कि p सबशेल की शेप क्या रहती है. शेप ऑफ पी सबशेल, शेप ऑफ पी सबशेल, पी सबशेल जो है उसकी शेप आपके पास होती है डंबल शेप. डंबल देखे होंगे सारों ने, सर एकदम देखे हैं डंबल हमने, सलमान खान एक्सरसाइज करता है वो वाले डंबल शेप, है ना. तो डंबल शेप है तो कैसे शो करेंगे, देखो ये आपके पास एक्स डायरेक्शन, ये आपके पास वाई डायरेक्शन. ये कौन सी डायरेक्शन है, एक्स.
ये कौन सी डायरेक्शन है आपके पास y, ठीक है ना। मैंने कहा आपके पास जो p सबशेल है उसमें थ्री ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट, थ्री ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट। कौन कौन से थे? px था, py था और pz था। तो px क्या होगा? When the electrons are present in x axis, ये आपके पास x, ये आपके पास y, इसको अपन क्या कहेंगे? px। कि जब आपके पास इलेक्ट्रॉन x एक्सिस पर प्रेजेंट हो तो उसको अपन क्या कह देते हैं? px। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? मिनिमम रहेगी। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या रहेगी? जीरो रहेगी। इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जीरो। अब आपको पूछने, जैसे मैं यहाँ पे कह दूं कि इस प्लेन में, अब यहाँ पे क्या है, px है, x y z है, कोऑर्डिनेट्स प्रेजेंट है, तो प्लेन भी प्रेजेंट होंगे। ये आपके पास क्या आ जाएगा कि ऐसा प्लेन होगा जहां पर इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी जीरो, तो उसे अपन क्या कहेंगे? नोडल प्लेन। उसे अपन क्या कहेंगे? नोडल प्लेन, या इसको अपन कहते हैं एंगुलर नोड। क्या कहते हैं बच्चों? एंगुलर नोड। और एंगुलर नोड कैसे कैलकुलेट करते हैं? एंगुलर नोड कैलकुलेट इक्वल टू होता है आपके पास, एंगुलर नोड किसके इक्वल होता है आपके पास? एल। सर पी एक्स बना दिया, पी वाई कैसे बनेगा? ये आपके पास एक्स डायरेक्शन, ये आपके पास वाई डायरेक्शन। आपको पी वाई बनाना है तो पी वाई कैसे बनेगा? इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट होंगे वो y डायरेक्शन में प्रेजेंट होंगे। कहां पर? y। ये आपके पास py हो गया। कि सर pz बनाना हो तो? ये आपके पास z, ये कौन सा था? x, ये कौन सा था? y, ये कौन सा था? z। अब इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट होंगे आपके पास? z डायरेक्शन। px, py और आपके पास क्या आ जाता है? pz। ये px है, ये py है और ये आपके पास pz। और नोडल प्लेन या एंगुलर नोड क्या हो गया? कि वो प्लेन जहां पर इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी जीरो हो, उसे अपन क्या कहते हैं? नोडल प्लेन कहते हैं। तो ये आपके पास नोडल प्लेन या एंगुलर नोड। कैसे कैलकुलेट करते हैं इसकी वैल्यू? एल के इक्वल होती है। ये सर करके बताइए। देखिए, मैंने आपको कहा कि आप क्या करें, 3p है, 3p के लिए आप एक तो रेडियल नोड बताइए कि रेडियल नोड कितने होंगे, और इसके साथ में इसमें आप एंगुलर नोड बताइए, हाउ मेनी रेडियल और एंगुलर नोड आर प्रेजेंट इन 3p। अब जो रेडियल नोड था उसका फॉर्मूला बच्चों अभी अपने देखा क्या था? n माइनस l माइनस 1। और एंगुलर नोड था उसका फॉर्मूला क्या था अपने पास? n माइनस l माइनस 1। और एंगुलर नोड का फॉर्मूला क्या था आपके पास? l था। तो जो रेडियल नोड है वो कितने आएंगे? रेडियल नोड 3। सर 3 क्या है? ये आपके पास n की वैल्यू, p है तो यहाँ कितना आएगा? 1 माइनस 1। कितना हो गया आपके पास रेडियल नोड? आपको मैंने कह दिया एंगुलर नोड बताओ। क्या बताओ आप? एंगुलर नोड। तो एंगुलर नोड l की वैल्यू के इक्वल होता है। 3p के लिए एंगुलर नोड कितना आएगा आपके पास? 1 होगा। सर 1 कैसे हुआ? बिकॉज p के लिए l की वैल्यू ऑलवेज कितनी होती है आपके पास? 1। तो नोड आ जाता है, नोड या नोडल सरफेस या नोडल प्लेन का मीनिंग क्या होता है कि जहां पर इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाती है, उसे अपन क्या कहते हैं? नोडल प्लेन या नोडल सरफेस कहते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं? रेडियल नोड कैलकुलेट करना हो तो n माइनस l माइनस 1। n आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l आपके पास एजीमुथल क्वांटम नंबर, और 1 आपको पता है 1 होगा। एंगुलर नोड कैलकुलेट करना हो तो वो किसके इक्वल होता है? हमेशा l के इक्वल होता है। तो यहाँ पे एंगुलर नोड कितना आएगा? 1 आएगा, बिकॉज आपके पास p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? 1। अब आपको कह दे कोई टोटल नोड बताओ।
टोटल नोड। टोटल नोड तो बच्चों आपको पता है कि अपने को ये दोनों क्या करने पड़ेंगे, प्लस करने पड़ेंगे, एंगुलर नोड प्लस रेडियल नोड, एल एन माइनस एल माइनस वन प्लस एल, तो एल से एल कैंसिल आउट हो गया, तो टोटल कितने आएंगे आपके पास एन माइनस। तो टोटल नोड कैलकुलेट करने हो तो एन माइनस वन यानी कि इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड कर दो तो कितने आएंगे आपके पास टू, या तो आप इन दोनों को ऐड कर दो, रेडियल नोड कितने थे वन, एंगुलर नोड कितने हैं वन, टू हो गया, या आप सीधा क्या कर दो एन माइनस वन कर दो, एन कितना आपके पास थ्री, आपने क्या करा थ्री माइनस वन इक्वल्स टू टू, ये आपके पास क्या हो जाएंगे टोटल नोड। लाइक अपन ने कह दिया कि भैया आप 4P में बताओ, 4P में कितने होंगे, 4P में रेडियल नोड कितने होंगे और एंगुलर नोड कितने होंगे। तो रेडियल नोड जो है उसका फॉर्मूला अपने को पता है एन माइनस एल माइनस वन, यानी कि 4 माइनस 1 माइनस 1 तो कितना हो गया आपके पास 2 हो गया। एंगुलर नोड कितना होगा, एल के बराबर होता है, एल क्या आपके पास थ्री है, टोटल नोड कितना आ गया आपके पास थ्री। और अदरवाइज सीधा टोटल नोड का फॉर्मूला लगा दीजिए, दैट टोटल नोड इक्वल्स टू एन माइनस वन यानी कि 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 3। टोटल नोड पूछे तो सीधा सा फॉर्मूला लगा दो एन माइनस वन का, अगर आपको रेडियल नोड पूछे तो फॉर्मूला लगा दो एन माइनस एल माइनस वन का, और अगर आपको एंगुलर नोड पूछे तो आप फॉर्मूला लगा दो सीधा एल का। तो ये अपन ने आज शेप देखी है किसकी, एक तो एस सबशेल की और एक किसकी देखी है पी सबशेल। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे डी सबशेल की शेप कैसी होती है, और उसके साथ अपन देखेंगे कुछ रूल्स जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ ही मैं आज आपको असाइनमेंट भी सेंड करूंगा छोटा सा, बस 30 क्वेश्चंस का है ना, और उम्मीद करूंगा कि आप जल्दी से जल्दी यानी कि टिल संडे मेरे सामने प्रॉब्लम लेके आओगे अपनी कि सर इस क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम, यानी कि संडे तक आप उसको क्या करोगे कंप्लीट। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, डिस्कस करेंगे डी सबशेल की शेप के बारे में, डिस्कस करेंगे कुछ रूल्स के बारे में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।